दोस्तों 700 एकड़ में बन रहा भव्य राम मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में है। अयोध्या का ये मंदिर 500 सालों की लड़ाई की जीत, धार्मिक आस्था, पौराणिक मान्यता, विश्वास और भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ा है। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कई मोड़ आए, लेकिन हर मुसीबतों का सामना के लिए हर एक राम भक्त वहां खड़े रहे, जिनके त्याग और वीरता का प्रतीक ही है हम सब का अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। बता दें कि राम मंदिर तैयार हो चुका है, अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, रामलला की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है, बस अब इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब 500 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे। जैसे जैसे 22 जनवरी का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रभु श्री राम की कृपा भी अयोध्या पर बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार दोस्तों आप सब तो जानते ही है कि प्रभु श्री राम की सेना में सबसे अहम भूमिका वानर सेना का था और पक्षीराज जटायु का, जिन्होंने माता सीता के लिए अपनी जान की आहुति तक दे दिए थे। ये वही जटायु है जिन्हें आज हम गिद्धों के नाम से जानते हैं, जिन्हें पर्यावरण का सच्चा मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मृतक प्राणियों के मांस को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर में गिद्धों की संख्या में कमी आ चुकी है और इन्हें लुप्त प्रजातियों में भी गिना जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अचानक से अयोध्या के मलिकपुर जंगलों में गिद्धों का कई झुंड आ पहुंचा है और वे कुछ दिनों से उसी जंगल में रहने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा हो कि वे सब जटायु के रूप में भगवान राम के स्वागत में वहां आए हो। वैसे दोस्तों ये खुशी का पल पूरे भारत वर्ष का है, जिन्हें ऐतिहासिक मनाने के लिए 22 जनवरी के दिन फिर से एक बार दीपावली मनाई जाएगी, जिससे हम सब का भारत वर्ष जगमगा उठेगा और सभी के लबों पर बस एक ही नाम होगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।